दोस्तों ये एक यूनिवर्सल क्लिप लेंस है और ये मोबाइल में लगता है। ये आज ही अमेज़न से आया है। मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखाऊंगा, इसको मोबाइल में अटैच करके भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसा पिक्चर उठता है। दोस्तों इसमें तीन लेंस दिया गया है, देखिए 1, 2 और 3। ये आपका फिश आई लेंस है, ये आपका वाइड एंगल लेंस है और ये माइक्रो लेंस है। ऐसा एक होल्डर भी दिया गया है जिसके सहायता से ये मोबाइल के साथ अटैच होगा। देखिए इससे अगर आप फ़ोटो खींचेंगे तो कैसा फ़ोटो उठेगा वो भी आपका यहाँ दिखाया गया है। वाइड एंगल जो लेंस है उससे आपका ऐसा वाइड हो जाएगा। ये मैक्रो लेंस है, इसको आपको पास में जाके खींचना पड़ेगा तो पिक्चर बहुत साफ़ आएगा। और ये फिश आई लेंस है, इसमें ऐसा फिनिशिंग आएगा। तो दोस्तों इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसके अंदर ये है, तो ये आपका होल्डर के साथ फिश आई लेंस है, ये एक पाउच है और ये फिश आई लेंस का कवर है और ये एक लेंस है। यहाँ आपका दो लेंस है, एक तो आपका वाइड एंगल लेंस है और एक मैक्रो लेंस है। दोस्तों जो वाइड एंगल लेंस है वो आपका अलग काम नहीं करेगा, वो मैक्रो लेंस के साथ ही काम करेगा, लेकिन जो मैक्रो लेंस है वो आपका अलग काम करेगा। ये देखिए ये इसका होल्डर है, इसको घुमाने से ये खुल जाता है। मैं आपको अलग अलग लेंस से पिक्चर उठा के दिखाऊंगा कि इसका पिक्चर कैसा आता है। ये कैरी पाउच दोस्तों अमेज़न में इसका अलग अलग प्राइस है, किसी जगह 150 रुपया, किसी जगह पे आपको ये 399 में, किसी जगह 250 में मिलेगा। सारे एक ही लेंस है। ये आपका होल्डर है, इसको आपको मोबाइल पे ऐसे अटैच करना है। ये ऐसे अटैच करने के बाद जो सामने लेंस रहेगा वहाँ पे आपको इसको फिट करना है, तो इसके सहायता से आपका पिक्चर उठेगा। तो वो पिक्चर कैसा होगा मैं आपको डायरेक्ट कैमरा पे लगा के ही दिखाऊंगा। दोस्तों अभी जो वीडियो आप देख रहे हो ये नॉर्मल लेंस से खींचा गया है, अभी इसमें मैं वाइड एंगल लेंस जो है उसको अटैच करता हूँ, देखिए वीडियो कैसा आता है। देखिए दोस्तों जो पिक्चर है बहुत वाइड हो गया, थोड़ा इसका फोकस को ठीक कर लेते हैं। हाँ देखिए इसका फोकस भी ठीक हो गया, अभी जितना स्क्रीन में आ रहा था उससे बहुत बड़ा हो गया है और बहुत सारा बड़ा स्पेस इसने कवर कर लिया है वाइड एंगल लेंस से। तो दोस्तों ये वाइड एंगल लेंस बहुत ही अच्छा है, अच्छा कवर भी कर रहा है। मैं आपको इससे पिक्चर भी उठा के दिखाऊंगा कि इस वाइड एंगल लेंस से कितना अच्छा पिक्चर उठता है। अभी हम लोग जो मैक्रो लेंस है उसको चेक करेंगे। तो दोस्तों अभी इसमें मैं मैक्रो लेंस को अटैच करता हूँ, देखिए कैसा लगता है। अभी मैंने इसमें मैक्रो लेंस को अटैच कर दिया, देखिए इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ये फोकस नहीं ले पा रहा है। अभी अगर कुछ चीज़ों को मैं सामने लाता हूँ तो ये फोकस कर पाएगा। अभी देखिए, देखिए दोस्तों जितना मैं लेंस के पास ला रहा हूँ उतना ये अच्छा फोकस कर पा रहा है। अब मैंने अपने हाथ को रखा तो देखिए कितना साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसका मैक्रो लेंस का फोकस तो अच्छा है, ये पास लाने से काम करता है, लेकिन कैमरा को इतना पास लाना पड़ता है कि आप आर्टिफिशियल लाइट नहीं होने से आपको फोकस ही नहीं मिलेगा और वहाँ लाइट नहीं मिलेगा। इनसफिशियंट लाइट अगर होगा तो वहाँ ये मैक्रो लेंस काम नहीं करेगा। देखिए दोस्तों इसका मैक्रो लेंस अच्छा है लेकिन इसको बहुत पास लाके फोकस करना पड़ रहा है। अभी हम फिश आई लेंस को चेक करेंगे, इसको लगाते हैं। फिश आई लेंस को हमने कैमरे के साथ अटैच कर दिया तो देखिए इसमें कैसा पिक्चर आता है। नहीं दोस्तों फिश आई लेंस उतना अच्छा नहीं है, इसका फोकस नहीं कर पा रहा है ये। तो दोस्तों ये था यूनिवर्सल क्लिप लेंस का पूरा फंडा, मैंने आपको दिखा दिया है ये कैसा है।
दोस्तों जो वाइड एंगल लेंस है वो काम करता है, जो मैक्रो लेंस है वो भी काम करता है, लेकिन मैक्रो लेंस इतना पास से काम करता है कि वहाँ लाइट घुसने का चांस कम हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि अगर डार्क एरिया में आप इसको काम करवाना चाहेंगे तो इससे काम नहीं बनेगा। और जो फिश आई लेंस है वो एकदम ही बेकार है, उससे उतना अच्छा पिक्चर नहीं उठता है। तो अगर आप वाइड एंगल लेंस को चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि जो वाइड एंगल लेंस है उससे भी जो पिक्चर उठता है उसका साइड में थोड़ा हेजीनेस आता है, एकदम क्लियर नहीं रहता है साइड वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन ठीक रहता है। और नॉर्मल कैमरा में आपका जो रेजोल्यूशन आता है इसमें उतना रेजोल्यूशन नहीं, तो मेरे हिसाब से मानिए तो इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अगर आप नॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल फ़ोटो के लिए ये अच्छा नहीं है। मोबाइल में जो स्टॉक कैमरा रहता है या ऐप लगा के जो आप पिक्चर उठाते हैं वही अच्छा है, लेकिन अगर प्रोफेशनली आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये काम नहीं करेगा। सिर्फ शौक के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। दोस्तों मैंने इस लेंस से कुछ फ़ोटो क्लिक किया है तो मैं वो फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ कि वो फ़ोटो कैसे आया है। मैं अलग अलग लेंस से आपको दिखा दूंगा कि वो फ़ोटो कैसे आ रहा है। जो फिश आई लेंस है उससे फ़ोटो तो आ ही नहीं रहा है, तो मैं वाइड एंगल और जो मैक्रो लेंस है वो दोनों का डिफरेंस आपको दिखा दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, और वीडियो को जितना मर्जी शेयर कीजिए।